startup is a very up and down process. बहुत emotionally it's appealing also. Is there a strong need कि जो आप कर रहे हो वो उसका customer को बहुत ज़रूरत है कि नहीं? Greed and fear है, right? तो if you're creating something that is of real value. नहीं सर, ये startup summits होती हैं. ये कितनी important है एक startup के लिए और एक investors के लिए? Mix है थोड़ा. आई थिंक आपको चूज करना है थोड़े बेटर क्वालिटी इवेंट्स या दिस थिंग, यू नो, क्योंकि स्टार्टअप जो होता है ना सर, मैंने देखा है वो ये मान के चलता है अगर मैं किसी स्टार्टअप समिट में जा रहा हूँ तो मुझे मेरे पोटेंशियल इन्वेस्टर मिल जाएंगे, मैं वहीं से फंडिंग लेकर आऊँगा. ये काफ़ी माइंडसेट होता है क्योंकि मैं भी गया हूँ. तो मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं अपना आइडिया से प्रेजेंट करूँगा और बस बूम. नहीं तो ये नहीं होता. एज इन ये नॉट जस्ट स्टार्टअप समिट, अगर आप कोई वन टू वन मीटिंग भी कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि मिले एंड बूम फंडिंग हो गया, राइट? ये नहीं होता आई थिंक मार्केट में. आई थिंक थोड़ा सा ना, बिकॉज टीम, एज आई सेड कि टीम इज अ लॉट ऑफ पीपल, एवरीबडी वुड गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू टू टीम. टीम को आप गेज कैसे करेंगे? थोड़ा सा ओवर टाइम ही गेज कर पाएंगे, राइट? जैसे मैं आपसे आज मिला, आपने बताया कि मेरा प्लान है, मुझे आई लाइक इट, राइट? बट देन आई वुड से कि अच्छा, I would want to track it over time, unless you know there is already काफ़ी सारा proof already कि track, you know, traction है, user growth हो रहा है, जो भी है revenue growth हो रहा है, whatever is the metric is going well, then it is an easier, relatively quicker call you can take. But अगर शुरुआत में हम मिल रहे हैं, first time हम लोग मिल रहे हैं, then थोड़ा सा tracking होता है over time कि आज मैं मिला, then we'll set up a meeting again after say 2 महीने कि आपका ये plan था, कैसे execute हुआ, have you, you know, are you meeting the metrics जो आपने plan किया था. उससे at least ये पता चलता है कि entrepreneur तो अच्छा लग रहा है but execute कर सकता है कि नहीं, और इसके planning थोड़ा सा inline practical है कि नहीं, right? तो 2 महीने बाद हम मिले, you know, आई सी कि हाँ ये तो जो बोला था वैसे execute किया है, तो that gives more confidence कि okay, execution हो रहा है, right? So I think event में जब आप मिल रहे हैं और पहली बार किसी से मिल रहे हैं, almost it's a start of a process of sort of meeting and then diligence on both sides. थोड़ा ये भी आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स डोंट डू इज कि एंटरप्रेन्योर्स को भी इन्वेस्टर को इवेल्यूएट करना चाहिए, राइट? कि ये राइट इन्वेस्टर है कि नहीं. कई बार यू टेक मनी फ्रॉम पीपल हु डोंट अलाइन विद योर विजन, वो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर ऑल्सो टू सी कि द वे आई एम थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, ये सेम ही सोच रहे हैं कि नहीं. क्योंकि नहीं तो 4 महीने बाद या 6 महीने बाद ये होगा कि they have different thoughts about कैसे होना है. पहली डेट पे जाके ऐसे बच्चों के नाम नहीं रखने. पहले कई सारी डेट्स होंगी. या शादी. देख, काफी इन्वेस्टर्स कहते हैं कि दिस इज लाइक ए मैरिज, राइट? तो वही प्रोसेस है कि आप एकदम से, तो आई मीन अब पुराना जमाना नहीं रहा, बट एक मीटिंग में यू वुड नॉट डिसाइड टू मैरी, राइट? तो थोड़ा सा वैसा है. आप फिर चेक करते हैं कि इसको खाना बनाना आता है कि नहीं, गाना गा लेगी या नहीं. प्रॉक्सी वैसे ही है.